कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके लोहे बाजार की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। लोहे बाजार में किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही पुराने लोहे में किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा गया, कास्ट आयरन का भाव क्या रहा है, CRC कॉइल के भाव में बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी के साथ और साथ ही साथ सरिया बाजार में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। चलिए और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट में कल जैसे कि देखा गया, एक बार बाजार 48,600 रुपए तक ऊपर गया, लेकिन बाजार बंद होते होते ऊपरी स्तर से बढ़त गवा के बाजार 48,400 रुपए 100 रुपए की एक मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। अगर पुराने लोहे की बात करेंगे तो 37,400 रुपए बाजार बंद हुआ। एमएस सिंगट ओल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपए रहा। कल कई जो बड़ी कंपनियां थी टीएमटी के रेटों में 700 से 800 रुपए प्रति टन के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज करी गई। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आयरन चाइना में लगातार आयरन ओर और कोल के दाम में जो बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, उसका असर घरेलू बाजारों में भारतीय बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। और भारतीय बाजारों में इसका इंपैक्ट आप आने वाले समय में आप 49,000 से ऊपर के भाव आने वाले समय में आप इंगट का देख के चल सकते हैं। चलिए जानेंगे कास्ट आयरन की क्या स्थिति रही। कास्ट आयरन और मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 41,000 रुपए रहा, इंपोर्टेड का भाव 42,000 रुपए रहा। इसमें कोई विशेष परिवर्तन बाजारों में नहीं देखा गया। CRC कॉइल के भाव जान लेते हैं। लुधियाना CRC कॉइल में गिरावट दर्ज करी गई, 58,600 रुपए का भाव हो गया। CRC कॉइल का भाव भी 64,100 रुपए रहा, लगभग 1,000 रुपए प्रति टन की गिरावट आई। गाजियाबाद का भाव स्थिर रहा, CRC कॉइल का भाव 60,000 रुपए, CRC कॉइल का भाव 68,000 रुपए। इसी तरीके कोलकाता CRC सीट का भाव 58,300 रुपए, CRC सीट का भाव 62,600 रुपए रहा। चलिए जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति रही। रायपुर एचबी वायर के भाव में एक मामूली बढ़त दर्ज करी गई। रायपुर एचबी वायर का भाव 53,100 रुपए रहा। जीआई वायर का भाव 57,300 रुपए। एमएस पाइप के अगर गोविंदगढ़ पाइप की बात करेंगे तो 51,800 रुपए। रायपुर पाइप का भाव 50,500 रुपए रहा। टीएमटी की बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का भाव 53,300 रुपए। दुर्गापुर का भाव 50,800 रुपए। इंदौर का भाव 54,300 रुपए। रायपुर का भाव 50,200 रुपए। जयपुर का भाव 52,300 रुपए। मुजफ्फरनगर का भाव 51,500 रुपए। भावनगर का भाव 55,200 रुपए। गाजियाबाद का भाव 52,800 रुपए। जलना का भाव 54,900 रुपए। पटना बिहार का भाव 51,700 रुपए टीएमटी का देखा गया। सभी टीएमटी के भाव में एक मामूली बढ़त दर्ज करी गई। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि बाजारों में कहीं पर भी 52,500 रुपए के आसपास इंगट आप मंडी गोविंदगढ़ की टीएमटी आपको मिलती है तो वहां पर आप खरीदारी करिए। दुर्गापुर का भाव भी 50,000 से लेवल पे खरीदारी की सलाह दी थी, 50,800 रुपए इस समय भाव चल रहा है। रायपुर का भाव 49,700 से 800 रुपए से 50,200 रुपए पे इस समय बाजारों में कामकाज चल रहा है। चलिए आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 47,900 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 48,900 रुपए का देखा जा रहा है। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 36,900 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 37,900 रुपए का देखा जा रहा है। मार्केट में ओवरऑल आउटलुक आप भी देख के चल सकते हैं बाजारों में आने वाले समय में। बाजारों में अगर इसी तरीके से बाजार 48,000 रुपए के ऊपर और 37,000 रुपए के ऊपर पुराना लोहा सस्टेन करता है तो बाजारों में आप यहां से रिकवरी देखेंगे। बाजारों में एक छोटी रेंज में बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। बाजारों में ग्लोबल सेंटीमेंट में सुधार न होने के कारण बाजारों में एक छोटी रेंज में आप देख रहे हैं लगातार एक छोटी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव, बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।